छत्तीसगढ़ सरपंच संघ के द्वारा भी अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर एक सप्ताह से काम बंद कलम बंद का आह्वान किया गया है, जिसके चलते आज सरपंच संघ द्वारा नगर में बाइक रैली निकालकर क्षेत्रीय विधायक के निवास स्थान पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान सरपंचों ने कहा कि अगर सरकार जल्द उनकी 13 सूत्रीय मांगों पर अमल नहीं करेगी तो सरपंचों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। मांगी है पूरे छत्तीसगढ़ सरपंच संघ के अध्यक्ष सम्मानी आदित्य उपाध्याय जी के नेतृत्व में हो रहे हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में 146 जनपद मुख्यालय के सामने हम लोग 22 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। हमारा 13 सूत्री मांग है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को कम से कम 10 लाख रुपये का निधि दिया जाए, प्रधानमंत्री आवास को प्रारंभ किया जाए, साथ ही 15वीं की राशि है उसको मनरेगा में अभिसरण किया जाता है उसको समाप्त किया जाए, सरपंचों को सम्मानजनक वेतन दिया जाए और सरपंच और पंच को भी वेतन दिया जाए, साथ ही साथ सरपंचों को आजीवन पेंशन दिया जाए। हम लोगों का 13 सूत्री मांग है। अगर हम सरपंचों की मांगे पूरी नहीं होती है तो निश्चित ही हम लोग जिस प्रकार से 10 तारीख को रायपुर में धरना प्रदर्शन किए थे, इस बार महाधरना होगा रायपुर में। भरत दास मानी, आज प्रदेश सरपंच संघ के आह्वान पे कसडोल जनपद सरपंच संघ के द्वारा हमारे जो कसडोल विधानसभा क्षेत्र की जो विधायिका है उनको सरपंचों की जो 13 सूत्री मांगे हैं मुख्यमंत्री जी के नाम सौंपेंगे। बाइक रैली निकाल करके हम उनके निवास पहुंचने वाले हैं। सरपंचों की जब बात आती है, सरपंचों की 13 सूत्री मांग के बारे में कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से राज्य सरकार को ये जो सरपंच की जो मांगे हैं, 13 सूत्री जो मांगे हैं, उनको गंभीरता से सुने और अब जिस प्रकार से उच्च सरकार के द्वारा, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनके द्वारा गाँव के विकास के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई जाती है, लेकिन उन योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी अगर होती है तो ग्राम पंचायतों की सरपंच की होती है। और 2 अक्टूबर 1959 को ग्राम पंचायतों को एक संवैधानिक अधिकार तो मिला, स्वतः का दर्जा तो मिला, लेकिन उसके बाद ग्राम पंचायतों की जो शक्तियाँ हैं उनको कम करने का काम जो कर रही है, जैसे 15वीं तक की जो मिलने वाली जो राशि है उनको भी अभिसरण करके अन्य मदों में खर्चा किया जाता है। ग्राम पंचायत